नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीवीएन 24। गिरफ्तारी होते ही खैरागढ़ जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुलशन तिवारी हो गए बीमार। उन्हें इलाज के लिए आनंद फानन में खैरागढ़ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्यों हुई गिरफ्तारी, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए विस्तार से नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। खैरागढ़ राज परिवार के उदयपुर में स्थित पैलेस में संपत्ति को लेकर दिसंबर 2021 विवाद के दौरान बलवी जैसी स्थिति बन गई थी, जिससे राजा देवव्रत सिंह के समर्थक और ग्रामीण रानी विभा सिंह के विरोध में उग्र हो गए थे, जिससे राज परिवार का विवाद सड़क पर आ गया था। इस दौरान न केवल उदयपुर पैलेस का गेट टूटा बल्कि पुलिस के जवानों के साथ मारपीट भी हुई। तत्कालीन एसडीओपी की चार पहिया वाहन सहित रानी विभा सिंह के अधिवक्ता अनुराग झा के वाहन में भी तोड़फोड़ हुई थी। वहीं पूरी घटना के लगभग 1 साल 10 महीने बीतने के बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है और 6 अलग अलग धाराओं के तहत जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुलशन तिवारी सहित 7 अन्य आरोपी बनाया है, जिसमें गुलशन तिवारी और दादू खान की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद खैरागढ़ जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुलशन तिवारी को आनंद फानन में खैरागढ़ सिविल अस्पताल में इलाज के लिए देर रात भर्ती कराया गया। इंचार्ज डॉक्टर ने बताया कि वे क्रोनिक अल्कोहलिक हैं और 10-12 साल से अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिसके चलते डॉक्टर ने संदेह जताया कि गुलशन को पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। विशेषज्ञों की सलाह के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया जाएगा। वहीं पूरे मामले में अब राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही, जहां भाजयुमो जिला अध्यक्ष आयश सिंह बोनी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही सिर्फ गुंडागर्दी करना और उत्पात मचाना है, जनसेवा इनकी डिक्शनरी में कहीं नहीं। इसका नतीजा आज लगभग 2 साल बाद ये गिरफ्तारी हुई है। जी बताएंगे गिरफ्तारी किस तरह से। वैसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो काम है ये सिर्फ गुंडागर्दी करना और उत्पात मचाना, यही एक काम है पूरे जगह, और जनसेवा इनके डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, जुआ सट्टा, अवैध शराब, यही सब कांग्रेस पार्टी का काम है और उसी का नतीजा कल 1-2 साल के बाद अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। और बलवा चूँकि उन्होंने किया था ये चीज़ साबित हो गया है, इसी वजह से ही शासन ने कल उनको गिरफ्तार किया है। अब इस पे तो कोई भी प्रकार की टीका टिप्पणी कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है, और चूंकि गिरफ्तारी होनी थी, 2 साल तक ये टलता गया मामला, आचार संहिता का समय है, इस वजह से अधिकारियों को पर नकल नहीं कस पाए तो अधिकारी उनको गिरफ्तार कर लिए। अब बचाने के लिए एन कैन प्रकरण जैसा भी हो बचाना है, तो इस वजह से उनको बचाया जा रहा है। और पूरा भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ये चीज़ चाहता है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो गलत किया है उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में एडमिट थे कांग्रेसी नेता, क्या कारण रहा उनका एडमिट करने का और आगे रिफर कर दिया गया? नहीं, कल रात को करीब करीब 9-9:15 बजे के आसपास वो डॉक्टर विवेक बिसेन ने एडमिट किया है। उसके हिस्ट्री के हिसाब से यह है कि उनका क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, 10-12 साल की हिस्ट्री है अल्कोहल की, पेट में दर्द रहता है और सस्पेक्टेड वो पैंक्रियाटाइटिस के मरीज हैं, और उनका कुछ दिन पहले पाइल्स का ऑपरेशन भी हुआ है। तो अभी वही कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, इसके कारण वो एडमिट हुए हैं। तो हम लोग तो यहाँ MBBS प्लेन MBBS डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, तो उनका मेडिकल कॉलेज उनको रिफ़र कर रहे हैं ताकि मेडिसिन विभाग के डॉक्टर उनको देख लें, आगे जो भी ओपिनियन रहेगा वो मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, इसलिए हम लोग भेज रहे हैं उनको। अभी के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़।